हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोशों में दर्द और सूजन से होने वाली तकलीफ से छुटकारा पाने का घरेलू तरीका बताया था, उसके मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए और लगभग 90% लोगों ने ये कहा कि उनकी समस्या का समाधान मेरे बताए गए नुस्खे के द्वारा हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक में जाकर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, काफी सारे लोगों ने कहा कि उनको मेरे बताए गए नुस्खे से फायदा हुआ है, इसीलिए मैं इस कड़ी में और भी 2-3 नुस्खे आपको बताऊंगा जो आपको आपके टेस्टिकल्स में होने वाले दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी हुई घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जब आप अपने टेस्टिकल्स में होने वाले दर्द और सूजन की समस्या को लेकर किसी डॉक्टर या नीम हकीम के पास जाते हैं तो वो आपको अक्सर यही बताते हैं कि आपके टेस्टिकल्स में गांठ हो गई है या फिर उसमें पानी जमा हो गया है और इसका इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है। मगर दोस्तों, इन समस्याओं को हम अपने घरेलू और देसी नुस्खे से भी ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार की महंगी दवाइयों या फिर महंगी सर्जरी जिसमें कि आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसे खर्च करने से पहले आप मेरे बताए गए नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें और हो सकता है कि आपकी भी समस्या का समाधान मेरे बताए गए नुस्खे से पूरी तरह से हो जाए। तो दोस्तों, आपकी टेस्टिकल्स में दर्द और सूजन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको एक और नुस्खा बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिक हेल्थ टिप्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लें कि आपके कौन से टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है। अगर राइट में है तो राइट वाला पैर इस्तेमाल करेंगे और अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला पैर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका एंकल है, एंकल वाला प्लेस है। इसमें जो ये आप हड्डी देख रहे हैं, इससे 2 अंगुल नीचे, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिख रहा है, इससे 2 अंगुल नाप लें, इससे 2 अंगुल नीचे, यहाँ पर जब आप दबाएंगे तो आपको एक नस सा प्रतीत होगा। उस नस के पास आपको दोस्तों 30 सेकंड तक दबाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वीडियो में बता रहा हूँ। 30 सेकंड दबाने के बाद आपको उसको रिलीज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे मसाज देनी है। ये वाली क्रिया करने के बाद दोस्तों, आपको अपने जो एंकल के जो पीछे वाला पार्ट है, जैसा कि ये वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ इस हड्डी के बीच वाला जो ये गड्ढा सा आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहीं पर, जब वहां पे आप हल्का हल्का दबाएंगे तो आपको हल्का सा दर्द सा महसूस होगा, वहां पर भी आपको 30 सेकंड तक प्रेस करना है। और दोस्तों, ये प्रेस तब तक करना है जब तक इतना प्रेस करना है जितना कि आपको लगे कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तब तक आपको उतना ही दबाव उसमें डालना है, उतना ही प्रेशर उसमें डालना है। 30 सेकंड तक आपको वहां पे दबाना है, फिर उसको रिलीज कर देना है, फिर आपको उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी क्रिया है उसमें आप क्या करेंगे कि अपने एंकल से 5 अंगुल ऊपर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वीडियो में, बिल्कुल 5 अंगुल ऊपर नाप लेना है और फिर वहां पर पीछे की तरफ, बिल्कुल यहाँ पर जहां पर कि मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। दोस्तों, जब आप वहां पर दबाएंगे तो वहां पर आपको दर्द सा प्रतीत होगा। वो दर्द आपको इसलिए है क्योंकि आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसमें जो दर्द है, जो सूजन है, उसकी वजह से आपको वहां पर भी दर्द महसूस होगा। जब आप वहां पर दबाएंगे तो आपको हल्का हल्का दर्द सा महसूस होगा। तो आपको वहां पर अंगूठे या फिर लकड़ी की सहायता से, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ, वहां पर आपको दबाना है। पहले आप ऐसे ऐसे दबा कर देख लें कहां पर एग्जैक्टली दर्द है, फिर वहीं पर आपको दबाना है। दोस्तों, 30 सेकंड तक दबाना है और ये जो आप दबाव डालेंगे उस पर अपने अंगूठे की सहायता से या लकड़ी की सहायता से, वो दबाव इतना होना चाहिए जो कि आपकी लिमिट हो। मतलब आपको अब जब लगे कि मैं इससे ज्यादा अब नहीं दबा पाऊंगा, मतलब दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तब तक आपको वहां पर उतना प्रेशर के साथ दबाव डालना है। दोस्तों, इसको भी आपको 30 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप उसको हल्का हल्का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है। तो दोस्तों,
आपको इस तरह से ये वाली तीनों क्रियाएं करनी है सुबह और शाम। दोस्तों इसको आपको तब तक करना है जब तक कि आपके टेस्टिकल्स में दर्द खत्म ना हो जाए या सूजन खत्म ना हो जाए। अगर दोस्तों आप 3 दिन भी इसे करेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत हद तक आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, और कई लोगों का तो एक बार में भी हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको करके देखें, और जो मैंने पहला वीडियो बताया था उसमें जो तरीका बताया था, आप इस तरीके को उस तरीके के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। तो आप दोस्तों दोनों तरीकों को एक साथ कर सकते हैं, और आप इसको कर देखिए दोस्तों, इसमें जाता कुछ नहीं है, इसमें आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो कोई भी तरह के महंगी सर्जरी या दवाओं में खर्च करने से पहले एक बार आप इस नुस्खे को इस्तेमाल जरूर करके देखें, और आपको इससे जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। कमेंट में मुझे जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको इस नुस्खे से कितना फायदा हुआ है। और दोस्तों अगली वीडियो में फिर से डालूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी अगर इस समस्या से ग्रसित है तो उन्हें भी इस समस्या से निजात मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।